आज मैं बनाने वाली हूँ सोया कीमा मसाला, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप देखेंगे तो कहेंगे कि सोया कीमा मसाला इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी, तो फिर देर किस बात की। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा की रसोई। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कप सोया चंक लिया है। आप चाहें तो इसकी जो छोटी वाली आती है वो भी ले सकते हैं। इसे हम गर्म पानी में, हल्का गुनगुने पानी में भिगो देंगे और भिगो करके 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये पानी को ऑब्जर्व कर ले और जो सोया है वो अच्छे से फूल जाए। तो इसे हम इस तरह से थोड़ी सी पानी में डुबो देंगे ताकि ये अच्छे से भीग जाए। और चलिए इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गया है और हमारा सोया चंक अच्छे से फूल गया है। तो देखिए इतनी स्पंजी हो गया है। और अब इसे हम पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे। हमें पानी इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह का चॉपर लिया है। आप चाहें तो मिक्सर जार में डाल के इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और एकदम ड्राई होनी चाहिए। और इसे हम फिर चॉप कर लेंगे अच्छे से। मिक्सर में आप पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सर में भी हमें पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा सा रफली चॉप करना है इसको। तो देखिए मैंने सभी पानी को अच्छे से निचोड़ लिया है और इसमें हमने डाल दिया। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और देखिए बिल्कुल ये बारीक नहीं है, दरदरा सा है। तो बस हमें इसी तरह का चाहिए। और अब इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बिल्कुल मोटा जो पार्ट होता है बिल्कुल नहीं है, एक बराबर है। तो इसी तरह का हमें इसको ग्राइंड करना है। बस याद रखिएगा कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, अब स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने नमक भी 1 टीस्पून लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने दही लिया है, दही बिल्कुल फ्रेश है। आप याद रखिएगा इसमें कि हमें दही बिल्कुल खट्टी नहीं चाहिए। खट्टी अगर रहेगी तो हमारा जो कीमा है उसकी टेस्ट फ्लेवर बिल्कुल बदल जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें दही खट्टी बिल्कुल नहीं लेना है। और अब देखिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक चीज़ और हमें ऐड करना है, गरम मसाला। गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे ताकि इसकी जो फ्लेवर और खुशबू है बना रहे। तो अब इसे मिक्स करके चलिए रख देते हैं। अब चलते हैं गैस के पास। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है और अब इसमें तेल हम ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच बड़े चम्मच से, और इसे गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 प्याज लिया है जो बारीक चॉप कर लिया है, और 2 टमाटर जिसे मैंने ग्रेवी बना लिया है, बिल्कुल पेस्ट बना लिया है, और अदरक बारीक बारीक स्लाइड में कट कर लिया, 2 हरी मिर्च जो मैंने बीज से काट करके लिया है, और मटर मैंने 1 कटोरी लिए है। तो देखिए यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ पे चुटकी भर हम हींग डालेंगे और उसके बाद जीरा 1/2 टीस्पून, जीरा हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, और बस प्याज यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसे हम चला लेंगे। तो प्याज हमें बिल्कुल ब्राउन एकदम फ्राई करना है। तो देखिए प्याज हमारा रेडी हो गया है भून करके। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इसी तरह का कलर चाहिए प्याज की। देखिए कितनी, अगर हम बारीक बारीक चॉप करते हैं तो जल्दी से सिक जाता है प्याज। अब यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड देगी लाल मिर्च। तो देखिए यहाँ पे देगी लाल मिर्च इसीलिए पहले ऐड की है ताकि इसकी कलर अच्छे से आ जाए। और अब इसमें हम अदरक की जो हमने स्लाइड किया है वो डाल देंगे, और 1 हरी मिर्च जो हमने
बीच से कट करके लिया है उसे ऐड कर देंगे और इसे हम चला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम मटर ऐड करेंगे, तो मटर भी हमने ऐड कर दिया। अब इसे हम चला लेंगे, फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो देखिए जो हमने देगी लाल मिर्च डाला पहले उससे कलर देखिए कितना प्यारा आया है। तो अब इसे हम चला लेंगे 2-3 मिनट, अच्छे से हम भून लेंगे इसको। तो देखिए ये भून गया है। अब इसमें टमाटर जो हमने ग्राइंड किया है उसे ऐड कर देंगे और अब इसे भी हम चला लेंगे। तो देखिए टमाटर भी हमारा अच्छे से पक रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक ताकि जो टमाटर और प्याज है वो और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बस अब इसको यहाँ पे चला करके हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि टमाटर प्याज अच्छे से पक जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ढक दिए थे और देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है और तेल भी अच्छे से छोड़ दिया कढ़ाई। और इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। देखिए प्याज भी हमारा इतने अच्छे से गल गया है। तो इसे हम चला लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम ऐड करेंगे, कसूरी मेथी। तो इसे क्रश करके हम ऐड करेंगे। मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है या आपके पास है तो आप ऐड कीजिए, लेकिन आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा अगर है तो। अब बस यहाँ पे हम ये कीमा जो हमने सोए का तैयार किया है इसे ऐड कर देंगे। और बस यहाँ पे 1 मिनट के लिए हम गैस की फ्लेम हाई कर देंगे और इसे हम चला लेंगे। क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है तो हमें इसको कंटिन्यू चलाना है। तो देखिए हमने इसको कंटिन्यू 1 मिनट तक चलाया है। तो देखिए इसमें उबाल भी आ गया है, ये देखिए। तो अब बस जिस हमने बॉल में ये तैयार किया था बस उसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसे चला लेंगे। और बस यहीं पे हम क्या करेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं मटन मसाला ऐड कर रही हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि अरे ये मटन मसाला है नहीं खाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ ये फ्लेवर अलग होता है, इसमें कोई मटन या चिकन इसमें नहीं रहता है। तो आप ये बहम निकाल दीजिएगा, आप लोग ज़रूर यूज कीजिएगा। इसके ढक करके 3-4 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे। तो देखिए हमने 3-4 मिनट तक अच्छे से कुक होने दिया ढक करके और देखिए तेल भी अच्छे से रिलीज हो गई है और देखिए हमारा कीमा भी बनके रेडी है। तो बस यहाँ पे 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, देसी घी, बिना घी के अच्छी नहीं लगती। तो बस अब यहाँ पे ढक देंगे और सर्व के लिए चलते हैं। तो लीजिए हमारा सोया कीमा मसाला बनके रेडी है। फ्रेंड्स यकीन मानिए कि अगर आप इसको बना करके खाएंगे या घर में सभी अपने फैमिली मेम्बर को खिलाएंगे ना, वो ये नहीं कहेंगे कि ये वेज कीमा मसाला है। उनको यकीन नहीं होगा कि ये वेज कीमा मसाला है जब तक आप बताएंगे नहीं। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी बनी है। आप इसे ब्रेड के साथ खा सकते हैं, पाव के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, आप किसी के भी साथ खाइए। ये एमी होने वाली है, माउथ वाटरिंग होने वाली है। आप जब खाएंगे आपके फील होगा कि आप क्या खा रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ये सोया कीमा मसाला है। और आप इस तरह अगर बनाएंगे घर पे तो आप बाहर होटल या रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएंगे।
तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आप कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।